हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आप सब अच्छे होंगे और सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हमने आपको टाइम टेबल अलॉट किया था कि किस तरीके से आपको टास्क कंप्लीट करना है, आई होप सभी लोग अपना अपना टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने कुछ ही दिनों पहले बोला था कि हमारे जो 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे, मतलब 20 क्वेश्चंस नहीं 20 सेट होंगे CSEB JEE के लिए, जो कि मैं कल लाने वाला हूँ। आपने 4 सेशंस तो आपके हो गए होंगे आरजे सर के। अब जो मैं कल आपके पास इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लाने वाला हूँ टॉपिक वाइज आपके, जहाँ पे सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर, फिर आपके पास DC मशीन, फिर आपके पास सिंक्रोनस मशीन, फिर आपके पास इंडक्शन मशीन, टॉपिक वाइज आपके चलेंगे। और इनसे कहीं ना कहीं ग्लिम्स आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। और चाहे आप धनुष बेच के बच्चे हो, फुल कोर्स के बच्चे हो, या धनुष वन शॉट के बच्चे हो, दोनों में ही वो सेशंस आपके होने वाले हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डेफिनेटली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ बच्चों के डाउट भी आ रहे थे कि सर जो CSEB JEE के लिए कौन सा बुक अच्छा रहेगा, तो बेटा जो हमारी बुक्स हमने जो लॉन्च की थी, जो कि मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशन में है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया है उसमें एनरोल कर लीजिएगा। उसमें जो CEG व्यापम में जो क्वेश्चंस पूछेगा डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। बुक्स के अंदर आपको जो CEG व्यापम के थ्रू आपको मैं बोल देता हूँ, मशीन आपको मिल जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिल जाएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल बुक्स में आपको मिल जाएगा। और जैसे कि HVDC, AC हो गया, पावर सप्लाई हो गया, ये सब क्वेश्चंस आपको धनुष बेच में मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है डेफिनेटली बेटा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कल से 7 बजे शाम को याद रखिएगा 7 PM पे हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मशीन्स का ट्रांसफॉर्मर। ओके, ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चंस को अपन, जो भी उसके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं ना, कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ओके, वो एक एक क्वेश्चंस का प्रॉपरली एनालिसिस करके आप सभी लोगों को प्रेजेंट रहना है। एनालिसिस के साथ अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल सभी लोग मिलना मत भूलिएगा धनुष बेच के अंदर शाम को 7 बजे। चलेगा, थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।